नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे सब आप? आशा करता हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज हम जा रहे हैं विष्णु मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में है, डोल आश्रम के पास में ही है, डोल आश्रम से पहले पड़ता है। तो वहाँ पर आज हमारी बड़ी दीदी के सबसे छोटे लड़के का जनेऊ संस्कार होगा, तो वहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, तैयार हो चुका हूँ मैं। और मेरे साथ आ रही है मेरी भांजी सोनी, वो चली गई नीचे रोड पर मेरे से पहले, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुका है। कशिया लेक में जीजाजी लोग हमारा वेट कर रहे हैं पास की मार्केट में, तो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, मिलता हूँ सीधे आपको आगे। आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक, अभी मैं निकल रहा हूँ। दादी चल ठीक से, मैंने क्यों और चल के सर न आल अल्मोड़ा जनियो विष्णु मंदिर। नहीं तो दीदी देख, नानुआ चल के भरती हूँ नी चंपुल दीदी देख। अच्छा, अल्मोड़ा में आने भाव थोड़ा मैं लाख जन पर किसे है कहा बर्त में जन थे क्या बर्त में जनियो कुछ बात ठीक होने तुम्हें कैसे बोल तुम्हें ठीक होने ठीक से बोल। अच्छा तू श्राद्ध दे आ रही है? अच्छा हमारा तिथि श्राद्ध लेछु ना तारीख हो तो बाहर छो आप रहते जुट जन छ तारू कच्छ तारू। अच्छा थोड़ी ठटर खोल, अरे उसमें चाबी तो ट्राई कर, आठ नंबर की है, जल्दी खोल। लेट हो गई वो कशलिंग में आ गई, बोलो आठ नंबर दिखा होगा, देख मिली आठ नंबर की है। घुमा तेरा तीन बार घुमाना पड़ता है, और घुमा और घुमा और घुमा, तीन बार हो तो गया। हाँ तो अभी इधर को खिसका उसको पहले, ऊपर को फिर उठा उठा जोर से, उधर से बीच में से जोर से उठा, फुल ताकत लगा ताकत लगा। नौकर और इसको ले तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको आगे कशिया लेक मार्केट पे। तो यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कशिया लेक मार्केट पे। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा, आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो यहाँ से हमारा सफ़र कैसा रहेगा पूरा नज़ारा आज हम आपको दिखाएंगे विष्णु मंदिर का। यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ के एक डिग्री कॉलेज है हमारे यहाँ का, दोसा पानी डिग्री कॉलेज, जो कि हाल ही में बना हुआ है, लगभग दो तीन साल ही हुए हैं। आज देखिए, आज का मौसम काफी जबरदस्त है, बादल भी नहीं है एक भी। और हम अभी चले हैं तीन लोग यहाँ से, क्योंकि दीदी लोग थोड़ा आगे पहुँच चुके हैं गाड़ी लेके, लेट हो चुका था, तो वो पहुँचे हैं भटेलिया मार्केट पे। वहाँ पर हमारा सुरेश भांजा भी आया है हल्द्वानी से, उसके साथ नीरज भी आया है। तो जो मैं डिग्री कॉलेज की बात कर रहा था वो नीचे यहीं पर है, यहाँ पर आप देखिए पीछे से शूट कर रहा मेरा भांजा उमेश। ये आगे भी आपको ऐसे नज़ारे दिखाते रहेंगे पहाड़ के सुनहरे सुनहरे, आप दे देना वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ से अल्मोड़ा के लिए रास्ता कटता है, यहाँ बोलते हैं गंगवा चोर, गंगवा चोर की मार्केट में हम पहुंचने वाले हैं। ये जो नीचे
ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड को रोड कटी है, ये है अल्मोड़ा के लिए, यहाँ से भी अल्मोड़ा जाते हैं और यहाँ से डोला से जाते हैं जहाँ से हम जा रहे थाना चली बैंड होते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखिए रॉयल मार्ट बना है, एकदम जबरदस्त मार्ट बना है, यहाँ भी सारी सुविधाएं हैं, एकदम लोग ऐसे तरक्की कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब कोई अपना अपने एरिया का जो इस तरह की तरक्की करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। हर सुविधाएं यहाँ पर हमें उपलब्ध कराते हैं पहाड़ों में। और हमारे पास के मार्केट भटेलिया से पहले पेट्रोल पंप खुला, उसी का ही टैंक है रोड में पड़ा हुआ है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर पेट्रोल पंप की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी हमें, ये दो टैंकर हैं और इस एरिया में पेट्रोल पंप खुलने वाला है। तो अभी यहाँ काम प्रगति पे है, कुछ टाइम बाद लगभग एक साल में पेट्रोल पंप खुल के तैयार हो जाएगा जहाँ तक है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं भटेलिया की मार्केट में, तो मिलते हैं यहाँ पे दीदी लोगों से और सोनी उनकी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद हंजा उमेश और मैं आगे अपनी जर्नी को यूँ ही लगातार आपके बीच बनाते रहेंगे। आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। ये आ गई भटेलिया की मार्केट, यह है पूरी भटेलिया की मार्केट। ऊपर की रोड जो है लेफ्ट साइड को वो है मुक्तेश्वर की, जो नीचे को रोड जा रही है थानाचुली बैंड होते हुए डोला सिंह जाएगी। तो पहुंच चुके हैं, ये है गाड़ी। किला देखी तो दोस्तों, यहाँ ये हमारा भांजा सुरेश हल्द्वानी जब पहुंचा है सुबह सुबह, मेरा वेट करते करते थक गया यहाँ पे। और यार नई ड्रेस में आया है एकदम जबरदस्त, नीचे से ऊपर तक चम्मा बना है एकदम चम्मा बन मेरा ऐसे यार। तो क्या बात, तो ऑफिसर चल लीजिए। और नीरज भाई क्या हाल चाल, पहुँच रहा हूँ यार। और क्या हाल हो रहे हैं आपके, पहली बार मिल रहा हूँ आपसे ना, है दूसरी दफे ना, हेलमेट में समझ में नहीं आ रहा है चेहरा उतना। माउंट किसने लगा रखा है, किसी और का हेलमेट है। हिटा पे हिटा क्या से दे रहा, हिटना करना है 10 हजार बैठ गया, नई बात नहीं। ड्राइवर कहाँ से, ड्राइवर तुम साथ अभी। अच्छा अच्छा, निकल चुके हैं हम भटेलिया मार्केट से आगे को, पीछे से आ रहे दीदी लोग, सोनी हमने शिफ्ट कर दिया उस गाड़ी में। तो अब निकलते हैं, आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक, तो दिखा दें आपको आगे का नजारा। ये है लेडी बंगाल की मार्केट, तो लोग चले गए हैं, हम यहाँ से थोड़ा पीछे हो गए, उसका हेलमेट गिर गया था यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं आगे को, इसको पहन ही ले कह रहा हूँ, खाली चलान उलान करवाएगा तुम। मेरी तो दिमाग खराब, पूरी मार्केट है यहाँ की, पहन ही ले इसको, क्या हो रहा है दिक्कत, इसको सही कर। मेरे को मंगा लेता, मैं अपना हेलमेट लाया था तो वो वाला पुराना वाला की तो लोन को भूल गई थी, क्योंकि होश में चली, मैं तो लंबू सफर में जानी हूँ, हेलमेट होना जरूरी है। जल्दबाजी करने नहीं भाई, दो जन में उंगली आ रही है ऊपर। हाँ तो दोस्तों, बढ़ चुके हैं हम आगे को, दीदी लोगों की गाड़ी आगे को निकल चुकी है, बढ़ते हैं यहाँ पे। एक स्कूल है लेडी बुंदा का, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम को न जाए कहीं, दोस्तों अभी हम काला पातल की मार्केट में पहुंच चुके हैं। ये हुआ काला पातल, यहाँ पे एक ग्राउंड भी आ गए जहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट होते रहते हैं, यहाँ पे भी कई कार्यक्रम होते हैं। ये महादेव ऑटो सेंटर भी है, रोड जा रही है, ये ग्राउंड पे जाती है नीचे, उससे आगे को गाँव में जाती है, सरियाकोट को भी यही रोड गई है ना, सरियाकोट को भी यही रोड गई है। और पास में यहाँ पे
क्रिकेट टूर्नामेंट होते रहते हैं, हेलीकॉप्टर भी आते हैं। यहाँ तक आपको जियो इंटरनेट फाइबर कनेक्टिविटी की भी लाइन देखने को मिलेगी। देखिए ये पूरी यहाँ तक इस रोड से नीचे तक जियो की ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछी हुई है। यहाँ से आगे को बढ़ते हैं, सामने जा रही है गाड़ी दीदी लोग की, जिसमें जरूरत जा रही है चलाने वाला कौन है, ड्राइवर है नया ड्राइवर है। तो आराम से चला रहा है, नया नया तो नहीं है ये, बैग ऊपर बाधा क्यों नहीं गिरेगा, तो इनसे आगे बढ़ जाए। ये है मार्केट, ये देखिए सामने बुरांस का फूल, एक जबरदस्त होने वाले हैं बुरांस के फूल। अगर थोड़े दिन पहले हम यहाँ पे गुजरे होते तो आपको एकदम जबरदस्त जगह जगह बुरांस के फूल देखने को मिलते हैं। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे को, यार आज मुझे बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि पानी पियेंगे यार, पानी पिए ही नहीं है। ठीक है अगली बहन में पानी पियेंगे। ठीक है ठीक है। तो अभी हम परबड़ा गांव में पहुंच चुके हैं। ये जो नीचे का नजारा है परबड़ा गांव का है, यहाँ से आगे सुंदरखाल की मार्केट आएगी। सुंदरखाल की मार्केट हम पहुँचने वाले हैं, बस कुर्सीपाल में हम सुंदरखाल की मार्केट पहुँच जाएंगे। तो आप बने रहना वीडियो में, एक सुंदरखाल का क्या है, इंटर कॉलेज ही है ना यहाँ पे? हाँ ऊपर है। कहाँ पे हो? ऊपर, यहीं पे है ना ऊपर सामने? हाँ ऊपर ऊपर, ये जो दिख रहा है यही तो है? ये नहीं है, बहुत ऊपर है। ये कौन सा स्कूल है? ये तो हॉस्पिटल है। अच्छा हॉस्पिटल है ये? हाँ। यहाँ से ऊपर है, मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर है। कितना मीटर? 500-200 मीटर? 500 मीटर होगा। अच्छा यहाँ, हमें तो इसको समझता था यार इंटर कॉलेज, ये तो ये क्या है यहाँ पे, एक स्कूल यहाँ भी तो है यहाँ पे? हाँ क्या है ये? यहाँ पे कॉटेज है। अच्छा कॉटेज है, प्राइमरी जूनियर पूरा हाई ऊपर ही है मतलब इंटर तक का? अच्छा अच्छा, पता तो नहीं थी यार मैं आप कभी जा ही नहीं रहा, रोड पे जा ही नहीं रहा मैं, यहाँ से सब जा रही हूँ। अच्छा तो इससे जा रहे हैं, आइडिया ही हुई। तो दोस्तों हम सुंदरखाल की मार्केट पहुँच चुके हैं, जैसे कि मैं बता रहा था ये सुंदरखाल की मार्केट है यहाँ इस गाँव की। उधर का सामने का व्यू दिखा दे यार एक बार। अभी थाना जी ने पहले मिलते हैं। आगे हम थाना चली बैंड में, यहाँ पे चार रोडें कटी हैं, तो यहाँ से एक रोड ऊपर को जाएगी, हमें इस रोड में जाना है। यहाँ पे थोड़ा वेट कर देते हैं। ओ मामा यहाँ पे पानी पी रहे हैं अब। मामा चलो फिर पानी पी लोगे? हाँ मामू, हाँ पानी पी जाएगा क्या? हाँ पानी पी जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा ना। क्यों आएगा? तो दोस्तों हम धानाचुरी बैंड से आगे को निकल चुके हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं ऊपर सुंदरखाल के टॉप पर। कॉपीराइट आएगा ना? क्या पता आ जाएगा, आएगा तो यूट्यूब की गलती है।
क्या पता बोलते हैं यार ज्ञान ज्ञान फिर हाल एड़ी द्वार एड़ी देवता मंदिर सुंदर ये चोरले का मार्केट था दोस्तों, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा हमें। पानी होगा ये दादी पहाड़ पानी पहुंच चुके दोस्तों, पहाड़ पानी का मार्केट है ये, पहाड़ पानी गांव है ये। यहाँ का नजारा भी एकदम जबरदस्त है, देखिए आप ज्यादा ज्यादा मात्रा में लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट में अपनी राय दें आपको कैसी जगह देखना पसंद है, तो हम आपकी पसंद का जो भी हो सकता है वो कर पाए करेंगे, तो हमें भी खुशी मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। वहाँ भी जबरदस्त नज़ारा देखे पहाड़ों में। भुवनेश्वर महादेव मंदिर स्वामी लोजनाथ आश्रम यहाँ पे है ये पहाड़ा पानी में। अभी जबरदस्त नजारा, एक से बढ़कर एक मकान दुकान देखिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमणि शर्मा पहाड़ा पानी जनपद नैनीताल करके बोर्ड लगा हुआ है। क्या बताया यहाँ पे सामने स्कूल है, कई बार हमारे गांव के लोग आते हैं। अच्छा यही होता होगा फिर। पहाड़ा पानी से आगे एक मंदिर है रोड में, तो यहाँ से हम आगे गुजर चुके हैं। तो आगे का नजारा आप बने रहे हैं वीडियो में, लास्ट तक। मौसम भी जबरदस्त है हमारा सफर में है, फुल एंजॉय में। दोस्तों अभी हम मोतिया पाथर पहुंच चुके हैं, ये मोतिया पाथर का मार्केट है। Thank you.
विभुधाम मंदिर ये डोला आश्रम से पहले है। हाँ हाँ यहाँ सौर फाटक की मार्केट आएगी, उससे पहले पहले एक पेट्रोल पंप आता है, पेट्रोल भी डलाना है। और दादी क्या हाल है रे? कल मंगल सब बढ़िया? कितने का डाल रहे हो फिर पेट्रोल? फुल कर देते हैं, फुल कर दे यार। ग्रामीण सिटी में बहुत निकल फुल हो गया, फुल हो गया, बोले हो गया, थोड़ा सा कम है उससे लग जाता है। दो सौ तीस का? हाँ बहुत खाती है तेल, है ना? वैसे कम खा रही है हिसाब से। चलो फिर चले, ज्यादा महंगा भी नहीं है पेट्रोल। तो दोस्तों पेट्रोल हमने फुल कर लिया, यहाँ से बढ़ते हैं आगे को। नजारा काफी जबरदस्त है, क्यों मस्त रोड भी नहीं बनी है, और भी अभी अभी डामरीकरण हुआ है शायद हाल फिलहाल में ना। यहाँ तो बहुत बढ़िया सीन है इसी एरिया में, शहर फाटक तो बहुत बढ़िया। यहाँ से हमने जाना है नीचे वाली रोड में, जो कि लेफ्ट हैंड साइड को है,
यहाँ से अल्मोड़ा है 50 किलोमीटर, पिथौरागढ़ है जैसे कि आपको देख रहे हो बोट पे। यहाँ पे देखिए ऊपर कलाचक्की होटल है, यहाँ पे काफी जबरदस्त होटल है। होटल होटल देवगंगा, हेलमेट क्यों नहीं पहना तुमने? काफी जबरदस्त लुक है इधर का। यहाँ पे चौकी भी है, ये यहाँ से हम लैपटॉप का कटेंगे ठीक है। हवा डाल लो फिर इधर क्या करो। सही बनना वीडियो मस्त बनना। चलो बढ़िया से आए तुम यहाँ का होने ला। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे विष्णु कृपा हिमालयन होम स्टे है, ये है डोलाश्रम से पहले पहले। काफ़ी ज़बरदस्त डिजाइन में देखिए यहाँ पर छज्जा बना हुआ है, और ये कलाकृति देखिए दोनों तरफ छज्जे हैं और बीच में दो चौखट हैं। काफ़ी ज़बरदस्त होम स्टे है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ भी एक से बढ़कर एक बिल्डिंग खड़ी हैं, बस रोड में टच है। कभी भी आपको आने का मौका मिला तो ज़रूर आइए हमारे पहाड़ घूमें और इस सुनहरी वादियों का नज़ारा लें। काफ़ी ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, मौसम भी एकदम क्लियर है। तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा, आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो आगे का वीडियो आपको मेरा भांजा दिखाएगा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त शूट करता है। इसका भी एक चैनल है उमेश कोरंगा नाम से, उसको भी आप सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आगे को, आप बने रहना वीडियो में। राइडर देखा, राइडर क्या जबरदस्त चला रहा था ना भाई, मजा आ गया। क्यों देखिए दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है। देखिए यहाँ से घूमने में हम पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा 500 मीटर के ऊपर यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सामने गेट दिख रहा है हमें विष्णु मंदिर का, तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त धाम है। मैं भी गया नहीं हूँ वहाँ मंदिर में, पहली बार जाना हो रहा मेरा भी। काफ़ी ज़बरदस्त है, बताते हैं आपको भी दिखाएंगे कैसा नज़ारा रहता है, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। तो आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा, ये है गुरुधाम मंदिर का गेट। चलो फिर मामू, चलो फिर बनाते रहना। हाँ बंद मत करना किसी। चार्ज भी डाल ले इसको बैग में, अपने जेब में डाल, चार्ज लगा दे, चार्ज कम है।
हटा भाई।